जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान पेट्रोल डालकर भड़का रहा है, ये 370 के कारण। मैं आगे आऊंगा इस विषय पर। और 371 में पढ़ना चाहता हूं मान्यवर, 371 है, 371 है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपक्रम, स्पेशल प्रोविजन, और ये टेम्पररी प्रोविजन है, दोनों के बीच का अंतर आप समझ लीजिए मान्यवर। और दोनों के बीच में और अंतर क्या है मैं समझाता हूं। मैंने कहा 370 से क्या हो रहा है, 370 से इस देश के कानून की रीच वहां नहीं पहुंचती, वहां के लोगों में अलगाववाद होता है, वहां की असेंबली के मंजूरी के अलावे कोई कानून देश की संसद का वहां नहीं पहुंचता है। और 371 क्या है, 371 मूल जो है महाराष्ट्र और गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ के लिए विकास के बोर्डों की रचना करना, इसमें क्या आपत्ति है, क्यों भला हम उसको निकाल देंगे। 371 ए, नागालैंड के नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथा, भूमि और संसाधनों के आधार आदि के स्वामित्व के लिए वो असेंबली निर्णय कर दे। 371 बी, असम, राष्ट्रपति उत्तरी कच्छार, कार्बी, आगलोंग और बोडोलैंड टेरिटोरियल जिलों जैसी जनजातीय क्षेत्रों के विधानसभाओं को विधानसभा की अन्य समिति के गठन में बाहुल्य देंगे। हम ये क्यों निकालेंगे, ये कहीं पर भी देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक नहीं है। 370 का और 371 की कंपेरिजन कर आप देश की जनता को गुमराह करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। देश की जनता सब समझती है 370 और 71 के बीच में अंतर क्या है मान्यवर। इसी तरह से मणिपुर, आंध्र प्रदेश का विश्वविद्यालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक, ये सारे राज्यों की कुछ कुछ बेसिक समस्याओं को सुलझाने के लिए 371 से 371 जे तक अलग अलग अनुच्छेद लाए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर कि 370 और 371 का कंपैरिजन हो नहीं सकता। और मैं स्पष्टता करना चाहता हूं क्योंकि रिकॉर्ड पर कहा गया है कि 371 भी ये सरकार हटा लेगी तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का क्या होगा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की कोई मंशा 371 को हटाने की नहीं है। वो आश्वस्त रहे, किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक कहा कि 300 जो रास्ता हमने लिया है वो ठीक नहीं है। मैंने अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी रास्ते पर आपने दो बार 370 के अंदर संशोधन जवाहरलाल जी के समय में और बाद में इंदिरा जी के समय में किया। उस वक्त वो रास्ता ठीक था और हम जब समस्या को निर्मूल करने के लिए जा रहे हैं तब रास्ता ठीक नहीं लगता है। रास्ता तो ठीक है, रास्ता आपकी वोट बैंक के आड़े आता है इसलिए आपको ठीक नहीं लगता है।